उधर बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को पता नहीं अच्छी बातों से क्या बैर है। जनाब जब भी मुंह खोलते हैं आग ही उगलते हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। विधायक ने एक बार फिर मुन्ना बजरंगी की हत्या को सही करार देते हुए कहा कि कृष्णानंद राय की आत्मा मुख्तार अंसारी को सजा जरूर देगी। वहीं राहुल गांधी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ की गई बातचीत पर उन्होंने कहा कि नेहरू खानदान शुरू से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करता है, इसलिए तो कश्मीर में 370 लगाया और दो संस्कृतियों के नाम पर देश को बांट दिया। बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल, मुख्तार अंसारी को मिलेगा करनी का फल, कृष्णानंद राय की आत्मा नहीं छोड़ेगी उसे, प्रकृति बिना दंड दिए किसी को नहीं छोड़ती। राहुल की मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत पर साधा निशाना, कहा नेहरू खानदान करती आई है तुष्टिकरण की राजनीति, पद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, अपने फायदे के लिए देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। 1989 में रिलीज फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी का टाइटल सॉन्ग उन दिनों काफी सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर इसकी याद दिला दी। कहा कि मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों बहनों के सिंदूर को धोया है, हजारों बच्चों के जीवन को संकट में डाला है और उसका भुगतान अभी नहीं मिला। उन्होंने मुन्ना बजरंगी की हत्या को एक तरह से सही करार देते हुए कहा कि परमात्मा ने उसके साथ उचित न्याय कराया है, यही दंड उसके लिए उचित था। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन जैसे लोगों को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा और दुनिया देखेगी। कृष्णानंद राय की आत्मा मुख्तार अंसारी को छोड़ेगी नहीं, उसे अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। अगर गोली से नहीं मारा जाएगा तो सड़ेगा। प्रकृति किसी को बिना दंड दिए नहीं छोड़ती। अब भगवान राम और कृष्ण को प्रकृति ने नहीं छोड़ा तो मुख्तार क्या चीज है? कि मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन प्रकृति किससे किसको सजा दिलवाएगी? राखी से दिलवाएगी कि एक्सीडेंट करके दिलवाएगी कि भूचाल पैदा करके दिलवाएगी कि बादल फटवा करके दिलवाएगी कि आकाश धवा करके दिलवाएगी? लेकिन दंड देगी पत्रकार को। हम और आप, हम भी विधायक हैं, आप भी पत्रकार हैं, अपने कर्मी का फल हम लोग को पाना है। जब राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा तो स्वयं अवतार लेने वाले भगवान को भी प्रकृति जो है अपना संरचनाधीन हिसाब से नहीं छोड़ती है तो क्या करेंगे? पत्नी के लिए दर दर भटकना पड़ा, कृष्ण को भी परेशानी झेलनी पड़ी महाभारत काल में। तो हम और आप और मुख्तार अंसारी और तीक अहमद क्या है? सबको भोगना है। मुख्तार अंसारी भी सैकड़ों बहनों के सिंदूर को धोया है, हजारों बच्चों के जीवन को संकट में डाला है, डलवाया है और उसका अभी भुगतान नहीं मिला है तो इस जन्म में भी पाएगा और भगवान की सत्ता यदि सत्य होगी, अल्लाह की सत्या सत्य होगी तो अगले जन्म में पाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। यदि गोली से नहीं मारा जाएगा तो सड़ेगा। प्रकृति ऐसे दंड नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ेगी। सुरेंद्र सिंह इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी की मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मुलाकात पर कहा कि नेहरू से लेकर इंदिरा तक, राजीव से लेकर राहुल तक, पूरा नेहरू खानदान मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करता आया है। पद पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कश्मीर में धारा 370 लगाई, हजारों हिंदू मारे गए लेकिन किसी पर मुकदमा नहीं चला। तुष्टिकरण का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा कि दो संस्कृतियों के नाम पर देश को बांट दिया गया। एक तरफ जिन्ना नायक बना, दूसरी तरफ नेहरू। अखंड भारत रहा कहां? उन्होंने कहा कि अखंड भारत तभी बनेगा जब लाहौर से लेकर पूरा पाकिस्तान भारत की भूमि में शामिल होगा। आज तक कुछ नहीं किया है, मुसलमानों को सब कुछ दिया है। अरे धारा 370 लगाया कांग्रेस ने, हैं? तमाम हिंदू मार दिए गए, एक पर मुकदमा नहीं चला। तुष्टिकरण का और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? दो संस्कृतियों के आधार पर नेहरू ने देश बंटवा दिया। नेहरू ने दो संस्कृतियों के आधार पर देश बंटवा दिया। जिन्ना उसका नायक बना, इधर जो है नेहरू बना और भारत पट गया। अखंड भारत ही है कहाँ? अखंड भारत तब होगा जब पाकिस्तान का लाहौर और जो है और जो पूरा पूरा जो है पाकिस्तान भारत की भूमि में शामिल होगा, तब अखंड भारत होगा। दो संस्कृतियों के आधार पर भारत पट गया,
नेहरू के हस्ताक्षर से बना है। अब देखना है कि बीजेपी अपने इस परम ज्ञानी और दार्शनिक विधायक सुरेंद्र सिंह की जुबान पर लगाम लगाती है या फिर वो बीजेपी के शशि थरूर और दिग्विजय सिंह बने रहते हैं। हाँ, एक बात समझ में नहीं आती कि जब माननीय विधायक जी फुल टाइम जहर उगलने में बिजी रहते हैं तो अपने इलाके में विकास के लिए वक्त कहाँ निकाल पाते होंगे। मुकेश मिश्रा, समाचार प्लस, बलिया।